नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सृष्टि राय। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरों के साथ, जहां छत्तीसगढ़ में होने वाले विधानसभा चुनाव की पहली कांग्रेस अब हर तरफ से भाजपा को घेरने की रणनीति बना रही है। जी हां, कांग्रेस नेता राहुल गांधी से लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पहले संकल्प शिविरों में केंद्र के सार्वजनिक उपक्रमों को बेचने का आरोप लगाकर SECL के खिलाफ आंदोलन करने का ऐलान किया। अब बिना वजह ट्रेन बंदी के मुद्दे को लेकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी PCC ने केंद्र सरकार और रेलवे के खिलाफ मोर्चा खोलने का ऐलान कर दिया है। प्रदेश भर में 13 सितंबर को कांग्रेस रेल रोको आंदोलन करेगी। इस आंदोलन को प्रभावी बनाने के लिए पीसीसी के प्रभारियों की नियुक्ति भी की गई है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के गुड़ियारी में गुरुवार को जन्माष्टमी के अवसर पर 5.5 लाख रुपए की इनाम वाली मटकी फोड़ी गई। जहां इस दही हांडी उत्सव में छत्तीसगढ़ के अलावा पड़ोसी राज्यों की टीमों ने भी हिस्सा लिया था। इस आयोजन की ड्रोन कैमरे से खूबसूरत तस्वीरें भी कैद की गई। इस कार्यक्रम में युवकों की कुल 18 टोलियों ने भाग लिया था, तो वही 6 टोलियां लड़कियों की थी। इस कार्यक्रम की विजेता पुरुष टीम सार्वजनिक दही लूट समिति बजरंगी बंजारी मंदिर रावा भाटा थी, तो महिला वर्ग में भी सार्वजनिक दही लूट समिति रावा भाटा पहले स्थान पर रही। रायपुर उत्तर सीट के लिए सिंधी समाज के एक प्रतिनिधि मंडल ने पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह से मुलाकात की, जहां उन्होंने उदय शदाड़ी को BJP के प्रत्याशी के रूप में टिकट देने की मांग रखी। इस दौरान समाज के आसुदा राम वाधवानी के साथ चैंबर अध्यक्ष अमर पारवानी और सिंधी काउंसिल के अध्यक्ष ललित जयसिंह भी मौजूद रहे। समाज के प्रतिनिधि मंडल ने शदाड़ी दरबार तीर्थ के उचीव और सचिव उदय शदाड़ी को मजबूत दावेदार बताया। साथ ही रमन सिंह से बातचीत कर कहा कि उदय शदाड़ी को समाज के साथ ही युवाओं का भी समर्थन है। वो विहिप के महानगर इकाई से पिछले 5 सालों से जुड़े हुए हैं। ईडी की छापेमारी का असर फसल बीमा पर पड़ा है। पूर्व डायरेक्टर रानू साहू के यहां छापे की वजह से फसल बीमा का नोटिफिकेशन जारी होने में देर हुई और 7,000 से ज्यादा किसान बीमा नहीं करा सके। इन किसानों ने कर्ज नहीं लिया था। कर्ज लेने वाले किसानों को अलग से बीमा कराने की जरूरत नहीं पड़ती है। कर्ज माफी योजना के कारण कर्ज लेने वाले किसानों की संख्या बढ़ी है, लेकिन फसल बीमा का एरिया घट गया है। छत्तीसगढ़ के खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।